कि आप टीवी पे बैठ के सचिन तेंदुलकर को मत देखो, मैं इसकी प्रेरणा कभी नहीं देता हूँ। आप मुझको कभी देख के प्रेरणा ले सकते हो, ठीक है, आपको ये होना चाहिए कि मुझको लोग देखें, मैं बनूंगा सचिन। हमको हमारे हमारे ताऊ जी की, क्योंकि उन्होंने भी कहीं सुना होगा, हमको एक चीज़ बताई थी, पहले महाभारत रामायण सर लोग जानते होंगे आता था तो ट्रेनें तक रुक जाती थी, यानी और घरों में टीवियाँ नहीं होती थी तो दूसरे का देखने जाते थे हम लोग। तो ताऊ ने हमारे कहा, उनका एक ही लड़का था और बहुत टैलेंटेड थे, पढ़ने में सब कुछ था, तो मैं उन्हीं की लगभग कॉपी राइट था, तो हम लोग रहे तो हम और ताऊ लड़के दोनों लोग भाग जाते थे दूसरे के यहाँ टीवी देखने। तो उन्होंने कहा कि दूसरे के घर में तीसरे आदमी को देख के अपना समय खराब करते हो, तो क्यों ना ऐसे बनो कि तुम्हें लोग देखें। वो चीज़ें ताऊ की हमें आज भी बहुत याद आती है कि हम रामायण में एक पात्र को या किसी को या पिक्चर में किसी को देखने जाते हैं, सिनेमा हॉल के जो लोग हीरो हैं या जो भी हैं, हम मानते बहुत आगे हो गए सब कुछ है, खुद ऐसा करो। किसी क्रिकेट को हम किसी खेल की बदनामी या बेइज्जती नहीं कर रहे, हमारा कहना यह है कि हम 8 घंटे क्रिकेट को देखते हैं, 11 लोग खेलते हैं, शाम को परिणाम एक ही निकलेगा, हार या जीत। तो वो 8 घंटा अगर हम अपने ऊपर खर्चा करेंगे, तो अगर टीवी पे कोई नहीं देखेगा तो आपके मोहल्ले लोग जरूर ताली बजाएंगे जिस दिन आप स्टेट में या नेशनल में मेडल देंगे। तो समय की उपयोगिता, खेल बहुत बहुत ज़्यादा जीवन में उपयोगी है, उसको अगर हम पढ़ाई के साथ लेके चलें तो सक्सेस आपका कोई रोक नहीं सकता। इन्हीं चीज़ों के साथ आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप लोग दिन रात ऐसे ही नारित्व का आगे बढ़ाओ।